हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो फुल मून क्योंकि अभी ही गुजरा है रिसेंटली, तो देखते हैं कि फुल मून के बाद आपके पर्सन की क्या एनर्जी है करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, कुछ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन के नहीं। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, ऑल साइन के लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, ऑल स्टार साइंस का होगा इसमें। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करेगा आपने रीडिंग को उतना ही लेना है, बाकी को आपने लेट गो कर देना। ओके, अपने पर्सन पे फोकस करें। हम देखते हैं कि नो कंटेंट सिचुएशन में ये पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं, देखते हैं कि ये कुछ मूवमेंट लेते हैं, एक्शन इस पर्सन का क्या निकल के आता है। टू ऑफ वैंस, लियो सैज एरीज आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। टू नंबर कुछ आपके लिए खास हो सकता है। सिक्स ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सिक्स ऑफ वैन, लियो सैज एरीज, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, एक्शन हमें नज़र आ गया है। खुश हो जाएं आप सभी लोग, लाइक कर दें जल्दी से। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, प्रीशियस, एज ऑफ वैंस, बहुत ही समझदार पर्सन है आपके जिससे भी आप डील कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, किंग ऑफ सोर्स, ऐसी कंडीशन में आ गए आपके पर्सन। बॉटम की एनर्जी भी देखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, फोर ऑफ वैंस, अमेजिंग, एंड टू ऑफ सोर्स, टू की एनर्जीज हमारे पास काफी, बॉटम की भी एनर्जी में आया है और यहाँ भी हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, तो साइन तो हमारे पास सभी हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो लियो सैज एरीज हों, क्योंकि स्ट्रांगली हमारे पास यही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हैं, कप हैं तो पाइसिस कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो ऑल साइन के लिए रीडिंग क्योंकि हम कर रहे हैं तो ऑल ही साइन हमें इसमें मिले हैं। तो जैसे ही मैंने आपको एट ऑफ वैंस देख के बताया था तो मैंने कहा कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रही है, ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं, शादी का ऑफर भी आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में थे, नो कंटेंट में थे, काफ़ी देर से इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये कोई एक्शन ले, तो अब ये पर्सन जो है वो एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ओके, अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, कुछ चीज़ों को लेके जगल कर रहा है। इसके पास या तो कोई दो चॉइसेस हैं, ओके, या तो फिर इस पर्सन को कुछ इशू है, हो सकता है कुछ पर्सनल इशू भी हो सकता है, किसी किसी के लिए सम ऑफ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है। ओके, एंड सम ऑफ के लिए हम फैमिली इशू भी हो सकता है। ओके, सम ऑफ के लिए, नॉट एवरीवन। ओके, तो ये पर्सन जो है डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं, इनकी थिंकिंग प्रोसेस में, इनके दिलो दिमाग में आप ही हो, ये आपसे शायद बात करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कंफ्यूज भी हैं, किसी, हो सकता है ये पर्सन
काम वर्क लोडेड, शायद इसके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, इसलिए ये पर्सन जो है थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में है, एक्शन नहीं ले रहा। या हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ का वेट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक कोई राइट टाइम का ये पर्सन काफ़ी देर से वेट करता हुआ मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज हों, कुछ फैमिली फेयर्स हों, या हो सकता है ये पर्सन यूनिवर्स के साइन का वेट कर रहा हो। बट मैं ऐसा देख रही हूँ ये पर्सन एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। पर्सन इसके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सम ऑफ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से ना डील कर रहे हो। ओके, सम ऑफ के लिए, या आप लोग मैरिड हो और सेपरेटेड हो और आपका फैमिली मैटर या फैमिली इशू है और इसलिए ये पर्सन थोड़ा रुका हुआ है ड्यू टू फैमिली प्रेशर की वजह से, आगे नहीं बढ़ रहा। शायद कुछ चीज़ों को अभी भी वो जगल कर रहा है और राइट टाइम का वेट कर रहा है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। थ्रू द कार्ड्स कुछ एनर्जीज ऐसी निकल के आ रही हैं। आप किसी सिचुएशन से मैच कर रहा है तो डू कमेंट्स मुझे बताएं कि अगर कोई मैरिड पर्सन है और सेपरेटेड हैं और फैमिली इश्यूज हैं, कुछ ऐसा है आप लोगों में। ऐसा मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी मुझे वेट करता हुआ दिख रहा है, कुछ सिचुएशंस को सेटल करता हुआ दिख रहा है। ओके, एक एक सिनेरियो मेरे पास ऐसा निकल के आया है और एक सिनेरियो हमारे पास ऐसा भी निकल के आया है कि ये पर्सन अगर पास्ट में जगल कर रहा था चीज़ों को और आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा था, तो अभी आपसे क्लियर कम्युनिकेशन भी करना चाहता है और शादी की ऑफर भी करना चाहता है। जितना मैच करेगा रीडिंग को, आपने रीडिंग को उतना ही लेना है, क्योंकि हमारे पास दो तीन मिक्स एनर्जीज निकल के आई हैं। तो जितना आपसे मैच करे तो आपने रीडिंग को काइंडली उतना ही लेना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओनली माई सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री रीडिंग भी है। ओके, तो ऐसा निकल के आए। पर्सन बहुत वाइजली इन चीज़ों को सोच रहे हैं। ओके, इमोशंस इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने के बारे में भी कुछ सोच रहा है। ओके, और हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को छुपाया हो आपसे। हो सकता है कुछ वर्क लोड की वजह से, या हो सकता है ये पर्सन कुछ काम में बहुत मसरूफ़ हो। ओके, इसलिए वो खामोश हो। लेकिन आपका पर्सन को मैं देख रही हूँ, बहुत ही कोई समझदार पर्सन है। ये फ़ौरन से ऐसे एक्शन लेने वाले पर्सन है। ये बहुत सारी चीज़ों को देखभाल के चलने वाले हैं या चलने वाली हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, और एक्शन के बारे में मुझे लगता है कि रिसेंटली ये जो पर्सन है इसके पास कोई अथॉरिटी आई है, या ये अथॉरिटी को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। शायद इमोशंस इस पर्सन को अब इसके कंट्रोल नहीं हो रहे ना। आई थिंक शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद वेटिंग गेम बहुत ही ज़्यादा चली है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, टू टू की एनर्जी हमारे पास ना 3 टाइम निकल के आई है। टू की एनर्जी 3 टाइम, तो हो सकता है आप लोग 2 महीने से, 2 सालों से, या हो सकता है ये 2 साल पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओके, या हो सकता है आपकी बातचीत जो है वो 2 महीने से बंद है किसी किसी के लिए, बट अब ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ। हो सकता है 2 हफ्ते में ये पर्सन ओपन अप हो जाए, हो सकता है 2 दिनों में ये पर्सन आपके साथ ओपन अप हो जाए, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। शायद पास्ट में इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया था, अब ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। बहुत वाइजली ये पर्सन सोच रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। शायद ये पर्सन ओपन अप जल्दी नहीं होता, लेकिन विजडम है इस पर्सन के पास। हो सकता है, अगर मैंने जैसे जिक्र किया पहले कि इस पर्सन को कुछ फेयर्स हैं, हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट या शादी से भागता हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, और किसी किसी के लिए फॉर श्योर है कि ये पर्सन शादी के लिए अपने पेरेंट्स को भी मनाएगा और कम्युनिकेशन भी आपके साथ क्लियर करेगा। ओके, सम ऑफ केसेस के लिए मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन को शायद कुछ फेयर्स हैं शादी को लेके। शायद वो
कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, शायद वो ये बर्डन को अभी उठाने के लिए वो कहते हैं कि अगर मैं शादी कर लूँ तो बाकी जिम्मेदारियों को मैं कैसे, काम को कैसे मैं मैनेज करूँ, लाइक इस तरह के फेयर्स इस पर्सन को शायद ज़्यादा हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही विजडम से काम ले रहा है, स्लो स्लो, ओके, ये पर्सन स्लो बहुत इसकी मूवमेंट है, क्योंकि ये थिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है, ओके, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आप लोगों के दरमियान में रुकी हुई हैं। मुझे बहुत सारे अपने व्यूवर्स का ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन शादी की कमिटमेंट के साथ आते हुए मजे नज़र आ रहे हो, और 6 से 8 मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की शादी भी हो जाएगी, आप रीयूनाइट भी हो जाओगे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ सम ऑफ के लिए। आप ऐसा करो, एक एक क्वेश्चन अपने माइंड में, एक ओनली वन क्वेश्चन अपने माइंड में करो, तो हम एंजल से जो है वो थोड़ा गाइड लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या फेयर्स हैं इस पर्सन को, के रीडिंग को लाइक करें। क्वेश्चन होपली आपने सोच लिया होगा, सक्सेस, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप सोच रहे हो शादी को लेके सोच रहे हो, के पीसफुल रेवोल्यूशन, तो हो सकता है किसी किसी के लिए अगर तो फैमिली इश्यूज थे तो ओवरकम होते हुए मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ही जल्द ओवरकम कर लेगा चीज़ों को, और आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलती हुई मैं देख रही हूँ। अभी तक के लिए इतना ही, रीडिंग आपसे मैच हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।